भजन भी है, प्रवचन भी है, आस्था का संगम भी है, ब्यूटी है, व्यंजन भी है, बच्चों का मनोरंजन भी है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू कराता ये है अन्नपूर्णा मीडिया ग्रुप, और आप देख रहे हैं पी न्यूज, खबरों का बादशाह। जौनपुर के रायपुर कला ग्राम सभा में हुआ भीषण भ्रष्टाचार, बिना कार्य कराए निकाले गए 14 लाख। मामला जनपद जौनपुर के सुजानगंज ब्लॉक के रायपुर कला ग्राम सभा का है, जहां वित्तीय वर्ष 2013-14 से लेकर वित्तीय वर्ष 2017 तक रायपुर कला गांव के ग्राम प्रधान व ब्लॉक कर्मचारियों की मिलीभगत से ग्राम निधि के 13वां वित्त खाते से 23 अलग अलग प्रस्तावों पर बिना कार्य कराए ही लगभग 14 लाख रुपए निकाल लिए गए। मामले की शिकायत उक्त गांव के एक निवासी ने जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी सहित मुख्यमंत्री तक को पत्र के माध्यम से अवगत कराया, और इसी मामले की जांच करने शनिवार को जिला गन्ना विकास अधिकारी गांव सभा में पहुंचे। जिला गन्ना अधिकारी दुद्दा सिद्दीकी शनिवार को रायपुर कला ग्राम पंचायत में शिकायत की जांच करने पहुंचे। इस दौरान शिकायतों का अंबार सा लग गया। इस दौरान एक खड़ंजे का मरम्मत के नाम पर 2 बार पैसा निकाला गया पाया गया। हालांकि ग्राम प्रधान व ब्लॉक का कोई कर्मचारी उपस्थित न होने से जांच पूरी नहीं हो सकी। इस संबंध में हमारे संवाददाता जय नारायण दुबे द्वारा पूछे जाने पर जिला गन्ना अधिकारी दुद्दा सिद्दीकी ने बताया, अभी जांच के दौरान तमाम खामियां मिली हैं, लेकिन काम नहीं होने और पैसा निकाल लिए जाने की पुष्टि के लिए हमें वैधानिक कागजों की जांच करनी पड़ेगी। जांच करने के बाद मामले से पर्दा हटाया जा सकेगा और भ्रष्टाचार को खुल करके बताया जा सकेगा। फिलहाल हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से भी बात की। तमाम ग्रामीणों ने उन सड़कों को भी दिखाया जिन खड़ंजों की मरम्मत के लिए खाते से पैसा निकाला गया है, और उनकी मरम्मत के लिए एक ईंट भी नहीं रखी गई है। इस तरह के तमाम आरोपों पर हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से खुल के बातचीत की और हर एक मौके को अपनी पैनी निगाहों से देखा। देखने में हर एक मामला बिल्कुल साफ था, स्पष्ट था कि गाँव में किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं कराया गया है जो कि कागजों में अंकित है। कागजों में अंकित कार्य गांव में नहीं हुए हैं, इसकी पुष्टि हमारे संवाददाता ने भी की, वहां के तमाम उपस्थित ग्रामीणों ने भी की कि हां, खाते से 14 लाख रुपया निकाला गया, लेकिन यह पैसा जिस कार्य के लिए निकाला गया वह कार्य धरातल पर नहीं हुआ है। जरा सोचिए, जहां विकास के नाम पर लोग सरकारों को कोसने में जरा भी देरी नहीं करते हैं, वहीं पर धरातल पर विकास कार्यों की यह स्थिति है। सरकारों ने पैसा देने में कोई कमी नहीं रखी है। अगर उन्हीं 14 लाख को गांव के लिए खर्च किया जाता तो निश्चित रूप से खड़ंजे की मरम्मत हो जाती, छोटे मोटे अच्छे कार्य हो जाते, जिससे गांव में कुछ ना कुछ तो विकास जरूर दिखता। लेकिन इसी तरह के भ्रष्ट ग्राम प्रधानों की वजह से, इसी तरह भ्रष्ट ब्लॉक के अधिकारियों की वजह से धरातल पर विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आम जनता को कोई कार्य नहीं दिख रहा है। सरकारें विकास करने का लाख प्रयास कर लें, लेकिन जमीनी स्तर के अधिकारी और जमीनी स्तर के नेता, जमीनी स्तर के प्रतिनिधि ही विकास के मुख्य वाहक होते हैं। अगर यह स्वतः भ्रष्टाचार करते हैं तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ऊपर के कोई भी अधिकारी आकर के आपके गांव में विकास का कार्य नहीं करेंगे। गाँव में विकास के कार्यों के लिए ग्राम प्रधान को प्रतिनिधि के तौर पर चुना जाता है। यदि गाँव का प्रधान, गांव का मुख्य प्रतिनिधि ही इस तरह से कार्य करेगा तो निश्चित ही गांव में विकास संभव नहीं होगा। हम और आप मिलकर सरकारों को कोसते रहेंगे और इस तरह के भ्रष्ट प्रधान खातों से पैसे निकालकर मौज उड़ाते रहेंगे। इस मामले पर गौर करने वाली एक बात और है कि जिले से जांच के लिए उच्चाधिकारी पहुंच रहे हैं और स्थानीय ब्लॉक के यानी छोटे अधिकारी मौके से नदारद हैं। आखिर यह मामला क्या कहता है? यही ना कि छोटे अधिकारी क्यों नहीं आए? जो भ्रष्ट होता है वो सामने नहीं पड़ना चाहता है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्राम सभा के विकास के पैसों से अधिकारियों ने, ग्राम प्रधान ने अपनी जेबों को मालामाल किया है और गांव में विकास के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे पी न्यूज, खबरों का बादशाह।